Today we will explain you about converting binary to decimal. To convert binary number 1010 into decimal number, यहाँ 1010 binary number है, उसे हम decimal number में लिखेंगे. First मुझे right hand side से इसे लिखना है, तो ये जीरो है, इसका पोजिशन क्या है, यूनिट्स, यहाँ लिख दिया. एंड 10, फिर 100 एंड 1000, मतलब राइट हैंड साइड से आपको नीचे की तरफ लिखना है 0, 1, 0 एंड 1. और इसका पोजीशन आपको पता चल रहा है, यूनिट्स 10, 100 एंड 1000. अब आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. और क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई विथ 2 हैविंग द पावर ऑफ 0 फॉर यूनिटरी पोजीशन. यूनिटरी पोजीशन है, उसका पावर कितना होना चाहिए, 0. 0 से स्टार्ट करना है. टेंस में क्या हो जाएगा, 2 पावर 1. एंड 100 में 2 स्क्वायर, 1000 में 2 क्यूब. अब इसे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लाना है. तो 2 का पावर 0, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 0, तो 0. एंड यहाँ पर 2 बन जा 2, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2. यहाँ 2 2 जा 4 हो जाता है, पर यहाँ पर 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8. अब ये जो आपका प्रोडक्ट आया है सारा, उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो यहाँ कितना आंसर आ गया, 8 प्लस 2 10. तो 1010 जो बाइनरी नंबर है, उसका आंसर कितना आ गया, डेसिमल नंबर, मतलब कन्वर्ट किया तो डेसिमल नंबर क्या बना उसका, 10. एग्जाम्पल टू, यहाँ पर मैंने बाइनरी नंबर क्या लिया है, 1001. अब इसे डेसिमल नंबर में चेंज करना है. फर्स्ट मैंने राइट हैंड साइड से इसे लिखा, राइट हैंड साइड में फर्स्ट यूनिट पोजीशन पे क्या है, 1, फिर 10 पर 0, 100 0 एंड 1000 1. अब इसको क्या करेंगे, इसका पोजीशन दे दिया मैंने, क्या दिया है, 2, इंक्रीज द पावर 1 बाय 1. जैसे यहाँ पर 2 तो सेम ही रहा, अब यहाँ पर यूनिटरी पोजीशन पे 0 देना है, यहाँ पर 1 दे दिया, मतलब इंक्रीज करते हुए पावर लिखना है, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3. अब इसे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 2 है, पावर 0 है, तो कितना आया, 1 मल्टीप्लाई 1 1. अब यहाँ 2 बन जा 2 मल्टीप्लाई 0 0, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 मल्टीप्लाई 1 8. तो अब ये आपका प्रोडक्ट आया है, इसे हमें प्लस करना है. 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9. तो यहाँ पर मेरा जो बाइनरी नंबर है वो कितना है, 1001, और इसे डेसिमल में चेंज किया तो आंसर क्या आया, 9. एग्जाम्पल 3, 1100001001. ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, इसे पहले हमें कैसे लिखना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ देखो 1001000, फिर 1, ये मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड से इसे लिखा. अब इसको फर्स्ट मुझे पता है यूनिटरी पोजीशन पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और पावर कितना देना है उसका, 0, और इसे इंक्रीज करते जाना है. यहाँ 0 दिया है, फिर यहाँ कितना दिया है पावर, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8. अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है और इसका प्रोडक्ट निकालना है. यहाँ पे कितना आएगा, 1. यहाँ जहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना है उसमें आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा. और जहाँ 1 है, अब यहाँ 2, यहाँ 2 पावर ऑफ 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आता है, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 128, और यहाँ 2 पावर 8, तो 256 आंसर आया. अब मैंने क्या किया, 1, 8, 128 एंड 256, इन सबको प्लस किया तो आंसर आएगा 393. तो बाइनरी नंबर मेरे पास क्या था, 1100001, और इसका डेसिमल नंबर क्या बना, 393.